Hey guys, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लेना है, कद्दूकस करा हुआ अदरक और पुदीना, फ्रेश मिंट लीव जो कि आप अच्छे से वॉश करके रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसको पानी में भिगो के रख देना है ओवरनाइट के लिए। आपको ओवरनाइट ही रखना है क्योंकि जो अदरक और पुदीने का एसेंस होगा, ये मैं पानी दिखा रही थी, मैंने पानी दिया हुआ है ऑलरेडी, वो अच्छे से इसमें रात भर के लिए इसका पूरा एसेंस इसमें चला जाएगा वाटर में, और फिर सुबह हम इस वाटर को यूज़ करेंगे। बेसिकली ये मिंट और जिंजर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर आपको ये भिगो के पूरी रात के लिए रखना है। आप ढक के इसे कहीं भी ठंडी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये इसको यहाँ पे ऐसे ढक के रख दिया है। अब सुबह मॉर्निंग में मैं इसको देखूँगी, तो ये देखिए सुबह मॉर्निंग हो गई है, 6:30 का टाइम था, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि सुबह हो चुकी है। कैंडल में ये बोल रही थी कि मैंने शाम को फिर ये बंद कर दी थी। अब ये देखिए पूरा इन्फ्यूज़ हो चुका है अच्छे से, जिसको मैं फेस पे लगाऊंगी अभी 2-3 घंटे के बाद, थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद जो इसका असर रहे। उसके बाद देखिए फेस पैक जो रेडी हो चुका है, जो कि अब मैं बताऊंगी आपको ये कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको लेना है वो पानी जो हमने रात भिगो के रखा था, फिर आपको लेना है कॉर्नफ्लावर। अगर आपको एक्ने हैं तो सिर्फ आप कॉर्नफ्लावर और इस वाटर को मिला के फेस पे लगाइए, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे अगर कुछ दिन आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मिंट और जिंजर दोनों में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आप को वहीं के उसी दिन से काम करना शुरू कर देंगे आपके एक्ने पे और बिल्कुल हील कर लेंगी। पर अगर आपको पिगमेंटेशन या झाइयाँ हैं तो अब आप इसमें मिलाएंगे विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। एक सिंपल कैप्सूल हर जगह अवेलेबल होता है, आपको इसमें वो ऐड कर लेना है, और उसके बाद ऐड करने के बाद आपको सीधा ये फेस पे अप्लाई करने लगा है। अगर आपको ये थिक कंसिस्टेंसी में करना है तो आप इसको थिक बनाइए और सीधा फेस पे एक मोटी लेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। बट अगर आपको ये थिक नहीं बनाना और इस तरह से रखना है तो आप इसे कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। लेयर अप करना चाहते हैं लेयर अप कर लें, या फिर इसको वैसे लगाना चाहते हैं मोटी परत बना के लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मोटी परत बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप देख लीजिए इसको कैसे लगाना है। अभी यहाँ पे ड्राई हो गया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो हम इसको वॉश कर लेंगे। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फेस को। तो ये देखिए यहाँ फेस वॉश करके आ गई हूँ, और आप देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ और कितना ग्लो फेस पे आया है एकदम से, ठीक है। आप इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो सीरियसली ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होके जो आपके अंदर स्किन के अंदर जो कालापन है, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, जो स्किन की सेकंड थर्ड लेयर पे होता है, उसमें ये अच्छे से पेनिट्रेट होके अंदर जाके आपकी स्किन को बिल्कुल हील कर देगा, और आपके निशान या पिगमेंटेशन या एक्ने स्पॉट सबको जड़ से ख़त्म कर देगा।